हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ यह है नेक्स्ट 48 आवर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फ्राइडे को मैं नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग करती हूँ, तो देखते हैं कि आने वाले 48 आवर्स क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। आने वाले 48 आवर्स मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं, क्या चल रहा है आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी में, प्लीज़ गाइड करें। आपकी एनर्जी मेरे राइट साइड में होगी, आने वाले 48 आवर्स की एनर्जी, और आपके पार्टनर की एनर्जी मेरे लेफ्ट साइड में होगी। सो लेट्स कट द कार्ड। म्यूचुअल कार्ड्स लूँगी मैं, दो म्यूचुअल कार्ड्स आपके, दो म्यूचुअल कार्ड्स आपके पार्टनर के। विल टेक सम कार्ड्स, 1 2 3 4 5 6 एंड बॉटम ऑफ द डेक। ये आपके कार्ड्स हो गए, और अब हम लेंगे आपके पार्टनर्स के लिए, 1 2 3 4 5 6 एंड बॉटम ऑफ द डेक। सो पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे और फिर आपके पार्टनर की, और लास्ट में हम देखेंगे म्यूचुअल एनर्जी, ठीक है। तो आने वाले 48 आवर्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी जिसके सामने आएगी उसके आने वाले 48 आवर्स से रेजोनेट करेगी। तो अगर आपकी एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो आगे की रीडिंग भी आपसे रेजोनेट कर सकती है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, द स्टार, 9 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मैं एक एक करके एनर्जी बता रही हूँ, क्योंकि एक बंदा ये रीडिंग नहीं देखता है, बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं। तो जो जो एनर्जी मैं पिक करूँगी यहाँ से वो मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहली एनर्जी उन लोगों के लिए है जो बहुत मैच्योर हैं, जो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में हैं, बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में हैं, जिन्हें पता है सब कुछ कि ये स्पिरिचुअल जर्नी है या ये इस जर्नी में है या उस जर्नी में है, और इनको कैसे टैकल करना है सिचुएशंस को। इन्हें सारी नॉलेज है, इन्हें सब पता है कि इनको सरेंडर करना है भगवान को, और उसके बाद जो होगा भगवान की मर्ज़ी से होगा, आपके लिए वो एक्सेप्टेबल है। तो कुछ लोग तो इस एनर्जी में हैं जो कि बहुत बैलेंस्ड हैं, बहुत स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा अपने आप को उन्होंने ग्राउंड कर लिया है। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी लग रही है आने वाले 48 आवर्स में जैसे कि पहाड़ टूट गया उनके ऊपर। डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों की एनर्जी बहुत लो है, बहुत ज़्यादा लो हो सकती है आने वाले 48 आवर्स में। आपको ऐसा लगेगा यार बहुत हो गया, अब या तो मैं मूव ऑन कर लूँ, और या तो आपको पछतावा होगा कि यार मैंने किससे अपना दिल दे दिया, किससे प्यार कर लिया मैंने, किससे दिल लगा लिया, इसको कोई रहम है इस बंदे को या इस बंदी को, क्या इसको तरस नहीं आता मेरे ऊपर, मैं इतना प्यार करता हूँ, बदले में मुझे क्या मिला। कुछ लोग मतलब ब्लेमिंग एनर्जी या बहुत ज़्यादा गुस्से वाली एनर्जी, या एक तरह से कहते हैं इमोशनल ब्रेकडाउन बोल सकते हैं, रोएंगे बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा वो होता है ना तड़पने वाली एनर्जी, जैसे कि दिल तोड़ दिया हो किसी ने। तो कुछ लोगों की एनर्जी इस तरीके की होगी, ऐसा होगा नहीं लेकिन ऐसी एनर्जी होगी आपकी। अचानक से रोना आ सकता है, अचानक से ऐसा पुरानी चीज़ें आपको याद आने लगेंगी, और आपको लगेगा यार मैं क्या करूं, क्या मुझे रहना चाहिए इस रिलेशनशिप में या निकल जाना चाहिए। सिर्फ आप पूछ रहे हैं जैसे किसी से, अपने दिल से, कि मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ पे अटक गई, मैं भूल भी नहीं सकता, भूल भी नहीं सकती, मैं निकल भी नहीं पा रही हूं इस सिचुएशन से। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो बंदा मज़े में है। तो कुछ लोगों की ये एनर्जी होने वाली है। कुछ लोग किसी लीगल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, मे बी यू आर ऑलरेडी मैरिड। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, किसी तरह का कोर्ट केस चल रहा है, या आपके हस्बैंड या वाइफ से सेपरेशन चल रहा है। इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी। कहाँ गए मेरे कार्ड्स, यहाँ हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, जिनका भी कोर्ट केस चल रहा है, मैरिड कपल्स, आप चाहते हैं सब ठीक हो जाए। कुछ लोग, ज़्यादातर लोग चाहते हैं सब ठीक हो जाए, बैलेंस हो जाए सिचुएशन, और कुछ लोग चाहते हैं कि पैसे लेकर सेटलमेंट हो जाए, मतलब आप अलग होना चाहते हैं। कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, सेटलमेंट कर लेंगे, और कुछ लोग अलग होना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। तो डिपेंड्स कि किसकी एनर्जी है, दोनों तरह के लोग हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, इसीलिए मैंने क्लैरिफाई किया है। फिर आता है लवर्स। आप में से कई लोग
सोल जर्नी में हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और उन्हें पता है कि डिवाइन की जर्नी है, आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, अपने काम को भी समय दे रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी और मटेरियल थिंग्स दोनों में बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा अबंडेंस आपने अपने लाइफ में अट्रैक्ट किया है, बहुत ज़्यादा वर्क, आप इतने बिजी होंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा बिजी हों कि आपको अपने पार्टनर की याद भी ना आती हो, जब आप फ्री होते हो तब आपको याद आती हो कि अब मैं फ्री हो गई हूँ तो अब मैं थोड़ा इन्जॉय कर लूँ, टैरो रीडिंग्स देख लूँ या थोड़ा सा अपने पार्टनर की एनर्जी देख लूँ कि आज के दिन में क्या चल रही है। तो आप में से कुछ लोग बड़े बैलेंस एनर्जी में हैं, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो अगर ये आपकी एनर्जी है या आने वाले 48 आवर्स में रहती है तो आपके आपसे ये रीडिंग भी रेजोनेट कर सकती है। अब मैं देखूंगी आपके पार्टनर्स की एनर्जी। फर्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स। तो पहले ही बता दूं कि आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स तो जगल कर रहे हैं, एक तरफ माँ या सिस्टर हैं, एक तरफ आप हैं, या एक तरफ वाइफ है एक तरफ आप हैं, या एक तरफ हस्बैंड है एक तरफ आप हैं, मतलब कुछ ना कुछ जगलिंग दिख रही है किसी सिचुएशन में। यस जस्टिस, आप में से आपके हस्बैंड या वाइफ की भी एनर्जी हो सकती है, आपकी तरफ जजमेंट आया लीगल सिचुएशन, इनकी तरफ जस्टिस आया, मतलब इनके दिमाग में भी वो चीज़ें चल रही हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टावर, एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर मैं बता दूँ आपके पार्टनर की आने वाले 48 आवर्स में किसी तरह की टावर मोमेंट्स दिख रही हैं। क्यों आया है टावर, लेट्स क्लेरिफाई, टावर क्यों आया है आपके पार्टनर्स की एनर्जी में फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। थर्ड पार्टी में टावर मोमेंट आने वाला है, स्पेशली अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं तब तो पूछना ही नहीं है। यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, ओके, या शादी को लेकर टावर मोमेंट दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि इनकी बहस हो सकती है या आपसे कोर्ट मैरिज का डिसीजन ले सकते हैं, अचानक से होगा ये चीज़ें। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आप में से कई लोगों के पार्टनर, स्पेशली सबसे पहली एनर्जी अगर आप मैरिड हैं, अगर आप अपने हस्बैंड या आप अपनी वाइफ को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि लीगल सिचुएशन आ सकती है, आपको कोई नोटिस मिल सकता है, या फिर नोटिस ऑलरेडी अगर मिल चुकी है तो आने वाले 48 आवर्स में आपके हस्बैंड या वाइफ आपसे कांटेक्ट करके आपको कोई कंडीशंस दे सकते हैं। इस तरह की एनर्जी है कि ये करो या ये करो, या ऐसे करो तो शायद सॉर्ट आउट हो जाए सिचुएशन, या उनकी तरफ से या आपकी तरफ से पेरेंट्स मिलकर बात कर सकते हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी दिख रही है फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। आपके रिलेशनशिप में टावर मोमेंट ऑलरेडी चल रहा है, आने की बात ही नहीं है, ऑलरेडी चल रहा है। ये उन मैरिड कपल्स की एनर्जी है जो ऑलरेडी सेपरेशन में हैं, या प्रोसेस चल रहा है, या धमकी मिल चुकी है, ये चीज़ें दिख रही हैं। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिए, थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करिए, अगर ये आपके सोलमेट हैं या इस तरह की एनर्जी है तो। अगर ये आपके कार्मिक हैं, आप बिल्कुल खुश नहीं हैं, तो इट्स अप टू यू, जो आपको डिसीजन लेना है आप ले सकते हैं, क्योंकि कार्मिक तो रिलीज़ हो ही रहे हैं, जस्टिस की एनर्जी है, कर्मा की एनर्जी है विद द टावर। अगर कार्मिक होगा बंदा या बंदी तो वो रिलीज होगा। फिर यहाँ पर आता है कपल्स की एनर्जी। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आप सिंगल हैं वो मैरिड हैं, या वो मैरिड हैं आप सिंगल हैं, या दोनों मैरिड हैं अलग अलग पार्टनर से। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में जगल कर रहे हैं और वो एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, या तो उनकी शादी में मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर उनकी वाइफ या हस्बैंड से उनकी किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। यह थर्ड पार्टी के साथ कॉन्फ्लिक्ट दिख रही है। अब आते हैं उन लोगों के ऊपर जो कि कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं लेकिन दोनों सिंगल हैं, ठीक है, वो भी सिंगल हैं, आप भी सिंगल हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि आने वाले 48 आवर्स में आपके पार्टनर का उनके पेरेंट्स से या तो बात होगा, या तो वो डिस्कस करेंगे अपने पेरेंट्स से आपके बारे में, या फिर उनके पेरेंट्स उनकी शादी की बात करेंगे और ये आपसे डिस्कस कर सकते हैं कि मेरी शादी की बातें चल रही हैं, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। लेकिन ये आपसे ये भी कहेंगे कि मैं आप ही के साथ सक्सेस चाहती हूँ या चाहता हूँ। कुछ लोगों के पार्टनर आने वाले 48 आवर्स में कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अपना काम करेंगे, वर्कोलिक हो सकते हैं, प्योर वर्कोलिक, हेक्टिक शेड्यूल, टाइम ही नहीं है किसी के लिए, अपने लिए भी टाइम नहीं है, अपनी शक्ल देखी दो दिन हो गए होंगे, ऐसी कंडीशंस में हो सकते हैं। मतलब अगर आपसे बात होगी, अगर आप पूछोगे भी कि ठीक हो, खाना खाया,
या बहुत बिजी हो क्या, तो वो यही कहेंगे हाँ बस, या बस बात ख़त्म, आगे बात ही नहीं है। तो मतलब कुछ लोग इस तरह की एनर्जी में रहेंगे, वो जो मेरी रून्स में आती है ना, नील बटा सन्नाटा वाली, वो वाली एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों की। अब देखते हैं म्यूचुअल एनर्जी क्या आई है। सो नीचे के दो कार्ड्स आपके थे ये दोनों, और इसे सरप्राइज़ रखते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है जैसे कि आप वेट कर रहे हैं, आपके ऊपर बहुत बर्डन है, आपको ऐसा लग रहा है यार सांस नहीं ले सकती मैं, सांस नहीं आ रही है मुझे, मुझे निकलना है इन सब चीज़ों से, मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे शादी की कमिटमेंट चाहिए। अगर अगर इसने अभी मैसेज नहीं किया तो शायद मैं ही कर दूंगी या कर दूंगा, बट ये गलती मत करना, ठीक है। यहाँ पर आप वेट कर रहे हैं एक मैसेज का, या उनकी तरफ से जेस्चर, या उनकी तरफ से कमिटमेंट। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग का ये लास्ट हो, मतलब अब नहीं तो शायद आप आगे बढ़ जाएंगे। बर्डन अब और झेला नहीं जा रहा आपसे, ये डिस्टेंस नहीं झेला जा रहा। और आपके पार्टनर की तरफ है फाइव ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर की भी यही एनर्जी रहने वाली है 48 आवर्स में। सैडनेस, बहुत ज़्यादा सैड, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड किसी सिचुएशन से, आपको मिस करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी नज़र आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं, आपको मैसेज करके ये चीज़ें दिख रही हैं। सो देखते हैं फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स क्या एक्शन लेंगे वो, क्या एक्शन होगा आने वाले 48 आवर्स में आपके पार्टनर्स का आपकी तरफ। मैंने बोला ना टावर मोमेंट आएगा। इनके लाइफ में जो भी कंट्रोलिंग है, जो भी मैनिपुलेटिव है, जो भी इनकी एडिक्शंस हैं, या जो भी इनकी बैड हैबिट्स हैं, या इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, यहाँ पर उन सिचुएशन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। मूविंग ऑन की एनर्जी है, इमोशनल विड्रॉवल। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अगर आपसे बात करेंगे तो उनसे पुरानी कोई बात मत निकालिएगा, पुराना कोई शक या पुरानी कोई कार्मिक से रिलेटेड या थर्ड पार्टी से रिलेटेड बातें मत करिएगा, वरना ये आपसे झगड़ा करके आपको ब्लॉक कर देंगे। ये वार्निंग मैसेज है उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में थे या हैं, या कभी उनका कोई इस तरह का आपका बहस हुआ था। किसी पुरानी बात को मत निकालिएगा। यहाँ पर बहुत सारे रीयूनियंस दिख रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। आप में से कई लोगों को रीयूनियन, परमानेंट रीयूनियन की कमिटमेंट मिल सकती है। कुछ लोगों को यहाँ पर अगर नो कॉन्टैक्ट में हैं तो बात हो सकती है, और कुछ लोगों के पार्टनर अगर ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं तो बहुत ही प्यारी प्यारी बात आपसे कर सकते हैं। 8 ऑफ कप्स क्यों आया है फॉर द 48 आवर्स? इनकी विश है आपसे शादी करना, इनकी विश है आपको अपने लाइफ में लाना। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेना चाहते हैं, इसीलिए ये इन सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। किससे झगड़े हो सकते हैं? आपसे झगड़े हो सकते हैं, आपसे किसी बात पर बहस हो सकती है। पुरानी बातें मत निकालिएगा, मैंने वार्निंग मैसेज दिया है। आपको मैसेज करेंगे और आपसे झगड़ा कर सकते हैं, या आपसे किसी बात पे कोई ऐसी बात बोल सकते हैं जिससे कि आपको ट्रिगर हो जाए, तो ध्यान दीजिएगा, अवेयर रहिएगा। 2 ऑफ कप्स क्यों आया है? बैलेंस, सेलिब्रेशन। आपको डेट पे बुला सकते हैं, मिल सकते हैं। पेशेंस, रीयूनियंस दिख रहे हैं बहुत सारे, पेशेंस एंड प्लानिंग की एनर्जी है। आपको मिस करेंगे बहुत ज़्यादा आने वाले 48 आवर्स। कंफ्यूज्ड हैं, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा, आपकी ड्रीम्स आ सकते हैं इन्हें, या आपकी मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा इन्हें फील हो सकती है। तो बहुत सारे लोगों का रीयूनियंस दिख रहा है, बहुत सारे लोगों के पार्टनर रिटर्न भी आएंगे। आने के बाद आपको झेलना है, ठीक है, आप उनको कैसे हैंडल करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, बट यहाँ पर आकर झगड़ा भी हो सकता है, आकर प्यार भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एनर्जी है यहाँ पर आपके लिए। जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 8, ठीक है। 8 आवर्स, 17 आवर्स, 26 आवर्स, 40, बताओ यार मेरी मैथ्स कमज़ोर है,
फोर प्लस कितना होता है, 8, 4 प्लस 4 ना, 44 आवर्स, मतलब विद इन 48 आवर्स आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स के मैसेजेस आपको रिसीव होंगे। साथ ही साथ जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ें हो सकती हैं, तो अवेयर रहिएगा। सो ये थी आने वाले 48 आवर्स की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।